गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आन इंस्टीट्यूट से मोनिका मैम आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में विशेषण और क्रिया के बारे में बताया था और उसी क्रम में अपन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के बारे में उसके जो पार्ट होते हैं कर्म के आधार पर और प्रयोग व रचना के आधार पर, उसी क्रम में कर्म के आधार पर संपूर्ण हो गई और प्रयोग व रचना के आधार पर उसके जो चार भाग होते हैं, उपभेद होते हैं, उनमें दो तो अपन ने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था। उसी कर्म में हम आगे चलते हैं, उसके जो दो हैं उनके बारे में। एक तो की है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्ता जो होता है वह स्वयं तो इस कार्य को करता नहीं है और अपनी प्रेरणा से किसी अन्य को वो कार्य करवा देता है। जैसे अपन लिखेंगे कि अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता स्वयं अधिकारी है, पर अधिकारी स्वयं उस कार्य को नहीं कर रहा है, वो बाबू को अपनी प्रेरणा दे रहा है और प्रेरणा से उससे पत्र लिखवा रहा है। इसलिए ऐसी क्रियाओं को अपन प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। इसी प्रकार से माली ने मालिक ने नौकर से पौधे लगवाए। इसी प्रकार से अपन एक और भी कर सकते हैं, माताजी ने नौकर से बच्चे को दूध पिलवाया। ऐसे जो शब्द आते हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया में ही होते हैं। इसमें कर्ता जो होता है वो स्वयं उस कार्य को नहीं करता है और किसी अन्य से अपनी प्रेरणा से करवाता है। आपको ऐसी परिभाषा पूछे तो परिभाषा भी याद रखनी है और यदि एग्जाम्पल आ जाए, उदाहरण आ जाए, तो ये उदाहरण भी याद रखने हैं। पिलवाया, लिखवाया, खेलवाया, ऐसे शब्द जो आएंगे वो हमेशा प्रेरणार्थक क्रियाओं में ही आएंगे। उसी कर्म में अपन चलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है कि इसमें कर्ता जो होता है वो एक क्रिया को तो समाप्त कर देता है और तुरंत ही दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़कर सो गया। राम पढ़कर सो गया। श्याम बाजार जाकर खाना खाता है। अब यहाँ पर ये जो कर शब्द लगा है ये हमेशा पूर्वकालिक क्रिया में लगता है। ये इसकी पहचान हो गई कि पूर्वकालिक क्रिया जो होगी उसमें हमेशा हमें कर शब्द लिखा हुआ मिलेगा धातु के साथ। और साथ साथ दो क्रियाएं भी है, पढ़ना और सोना दो क्रिया है, जाकर और खाना खाना ये दो क्रियाएं, खाता है ये भी एक क्रिया है और जाना एक क्रिया है, इसलिए दो क्रियाएं एक साथ रहती है। इसका मतलब यहाँ पर ये पूर्वकालिक क्रियाएं मानी जाती है। इनकी यदि परिभाषा पूछे तो ये परिभाषा अपन को याद रखनी है कि इसमें कर्ता जो है वो स्वयं एक क्रिया को तो समाप्त कर देता है और तुरंत ही दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है। जैसे अपन बोल सकते हैं कि राम जो है वो विद्यालय जाकर घर पर पढ़ता है, तो पहले विद्यालय जाकर फिर घर पर पढ़ता है, पढ़ना एक क्रिया है और जाना एक क्रिया है। इस प्रकार से ये पूर्वकालिक क्रियाएं मानी जाती है। आज अपना जो है वो क्रिया का संपूर्ण जो अध्याय है वो पूर्ण हो गया है। इसमें हम उनको जो क्रियाएं हैं उनके बारे में जैसे कोई परिभाषा पूछ सकते हैं या